हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रीन सोन। आपको तो पता ही होगा जब वक्त 11 बजे मैंने उठी तो उठते साथ ही जो है मैं कोई मूव वगैरह नहीं धोया, ध्यान को लेकर आ गई हॉस्पिटल। लेकिन अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर आए नहीं थे जिससे हमें चेक करवाना था, तो सामने एक पार्क था तो हम ध्यान को लेकर आ गए वहाँ पर। मेरे आने में बल्कि नहीं लेकर आई थी, हमज़ा लेकर आ गए थे। और हमारे आने से पहले ही जो है ना उसको स्लाइड करवा रहे थे और वो बड़े मज़े से इंजॉय कर रहा था। एक तो रमज़ान चल रहे हैं और पार्क जो है पूरा मतलब खाली था, कोई मतलब एक आधा ही कोई होगा अगर हुआ भी तो। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी ना वहाँ तक मुझे कोई नज़र नहीं आया। ध्यान नहीं थी कि मामा कहता कि ऊपर आओ ऊपर आओ, मामा प्यारी को भी ऊपर जाना पड़ा। तो जो है फिर उसके बाद हम ध्यान को फ्लाइट से दूसरी साइड पर लेकर गए कि चलो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान ना खेले। तो मतलब धूप इतनी ज़्यादा थी, रमज़ान का महीना माशाल्लाह से चल रहा है और रोज़े भी होते हैं, तो गर्मी इतनी थी कि ध्यान जो है वो टिक ही नहीं रहा था। कहता कि नहीं भाई मुझे तो झूले दो, मैंने तो लेने हैं। फिर हॉस्पिटल भी नहीं जा रहा था पहले तो, फिर इधर आके ये चुप हुआ। हम इसको झूले देने लगे, माशाल्लाह से खुद ही लेने लगे। बड़ा हैप्पी हो रहा था ये, मतलब झूले ले पार्क में जाए कहीं भी जाए खुली जगह पे, इसको बड़ा पुरसकून सा फील होता है और ये खुश खुश रहता है। तो फिर उसके बाद फाइनली डॉक्टर आ गए, मामा पता करके। ये सामने हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे हम इसको चेकअप करवाने के लिए आए थे। इसको डायरिया हो गया था और साथ ही इसको वोमिटिंग भी हो रही थी, बहुत वीक हो गया। फिर इसको हम लेकर गए हॉस्पिटल, अच्छा के अंदर और ये होना शुरू हो गया। चुप अब इंजेक्शन लगना, इंजेक्शन लगने के बाद ध्यान को लगना था इंजेक्शन। और ध्यान ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था और मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं ध्यान को इंजेक्शन लगवा लूँ। मैं जो है ना बड़ा डरती हूँ इंजेक्शन से, मैं खुद भी डरती हूँ और मैं कहती हूँ कि बस इसको भी ना ही लगे। इतना ये रोया, इसको इंजेक्शन लगा, फिर उसके बाद इतना ये रो रो कर इसने बुरा हाल किया कि हमला इसको लेकर ना बाहर चले गए। फिर उसके बाद बाकी जो ट्रीटमेंट वगैरह था वो मैंने डॉक्टर से पूछा। इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि हमदा ने फिर इसको जो है ना पार्क में लेके, चलो जाओ मैं तुम्हें पार्क में लेके चलता हूँ, तुम ना वहाँ पे चुप हो जाना। तो यहाँ पे आके बड़े मज़े से चुप हो गए, इंजेक्शन भी भूल गया। फिर मैंने इनका आ जाओ यार जाएँ अब घर, तो ये आ रहे हैं कह रहे हैं अब ये फिर हो रहा था, अब मैं इधर से नहीं जाना चाहता। तो फिर हम इसको लेकर आ गए। उसके बाद मैं इसकी शॉपिंग करनी थी, मतलब मेरी नहीं जो है इसकी शॉपिंग करनी थी, ध्यान की शॉपिंग करनी थी। तो हम बाजार गए मामा, तो चलते गए लोग मतलब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और शॉपिंग करने भी माशाल्लाह से सारे निकल होते हैं। जब भी बाजार जाओ, सुबह टाइम जाओ, शाम टाइम जाओ, रात को जाओ, दोपहर में जाओ, रात ऐसे होता है कि जैसे लोग तक बहुत जाते यार इतना पैसा कहाँ से आ जाता है इनके पास। आमीन। तो मैं ना काफ़ी शॉप पर गई, मैंने 2-3 शॉप से देखा, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा नहीं मुझे यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा। वो एक बात होती है ना दिल को लगने वाले होती है, वो मतलब कपड़े बिल्कुल ही नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पुराने से सारे कपड़े हैं, तो मैंने ये ध्यान के लिए नहीं लिया, ये भी नहीं थे ये भी नहीं थे। मैंने जो है अपने लिए भी देख लिए, मैंने कहा अगर नहीं तो मैं फिर अपना ही बना दूँ, लालच आ गया था मेरे दिल में। तो फिर उसके बाद मैं फिर आगे गई जिस शॉप से हम मोस्टली कपड़े लेते हैं, वहाँ पर मैं गई, वहाँ से मैंने कपड़े देखे ध्यान के लिए। लेकिन मुझे तो मेरे पास लगे नहीं, मैंने 2-3 देखे, टीशर्ट वाले देखे, पैंट शर्ट देखी, नीचे शर्ट देखी, लेकिन कुछ समझ नहीं आई। मैंने मुझे 2-3 सूट भी खाए, मैं अपनी तरफ से ये करके ये न्यू वरायटी है, मैंने कहा अच्छा न्यू वरायटी है, तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं लग रही, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने फिर ये कपड़े नहीं लिए, मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं अच्छे लगे। तो मतलब मुँह पर नहीं, मैंने कहा कि फोन मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने कहा नहीं बस ऐसे कहते ना, मैं वहाँ से निकल आई। फिर हम चले गए नेक्स्ट शॉप पर, वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे कपड़े देखे, लेकिन मेरी मामा कह रही थी कि नहीं मेरे दिल को नहीं लग रहा। यहाँ से मैंने जान के पहले भी कपड़े लिए हुए बहुत अच्छे कपड़े थे, लेकिन इस बार ऐसा मतलब किस्मत नहीं घेरा ना मुझे कि यहाँ से भी मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। कपड़े वैसे इन्होंने भी बहुत अच्छे दिखाई, ये वाला जो व्हाइट वाला सूट पड़ा हुआ ना तो पेंसिल फेस पड़ा, ये मुझे अच्छा लगा था। तो इनके साथ भी मेरा रेट ही नहीं बना, इन्होंने मुझे बहुत अमीरों वाले रेट बता दिए, तो मैं अच्छा नहीं मिला क्या ना करूँ, रेट कम ना करूँ, मुझे कहाँ सुन आ रहा था। मैं रेंज के बाहर तो नहीं हो सकती, मतलब मैंने ध्यान काफ़ी सारी
फिर मैं शॉपिंग जो करनी थी कर ली, उसके बाद रात को हमने की अफ्तारी। अफ्तारी पे काफ़ी कुछ था माशाल्लाह से, अच्छा था और मज़े मज़े के खाने थे, बहुत मज़ा आया हमें खा कर। तो रात के 12 बजे मुझे लगे भूख, मेरे लिए आया शवारमा। रियान अभी तक उठा हुआ है, रियान नहीं सोया। सारे बाकी मतलब रमज़ान है ना तो लेट ही सोते हैं, लेकिन ये जनाब ऐसे ऊपर से इसकी तबीयत ठीक सूखा हो गया। मुझे अब इतना होता है कि यार मेरे बेटे की तबीयत इतनी क्यों ख़राब हुई, इतना वीक हो गया, पहले माशाल्लाह इतना ज़्यादा वीक हो गया। व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।